हेलो किट्टू, आज हम सोच रहे हैं तुमको एक कुछ सुनाएं, अपनी लिखी कविता हाँ हाँ बिल्कुल कुछ बिल्कुल पल सुनाएं। ठीक है, देखो सुनो। इश्क में आरजू और जुस्तजू का होना जरूरी है। वाह भाई वाह। इश्क में आरजू और जुस्तजू का होना जरूरी है, एक दूजे को पाने के लिए खुद को खोना जरूरी है। माना कि मोहब्बत मुकम्मल होती नहीं, माना कि मोहब्बत मुकम्मल होती नहीं, फिर भी जिंदगी में एक बार मोहब्बत का होना जरूरी वाह है। भाई वाह वाह, क्या बात कहो कुट्टो। हाँ। का शायरी लिखे हो। हाँ। गजब की शायरी है। एक बात है, जिंदगी में प्यार मोहब्बत के बिना सब अधूरा रहता है। ये तो बात सही कहो, ये तो बिल्कुल सही कहो। और देख, हमको एक बात याद आ गई, ये प्यार इश्क मोहब्बत का तो तुम नाम ले लिए हो, तो हमका बॉलीवुड वालन की याद आ गई। अच्छा। देख, इस समय ना शाहरुख खान की वो फिल्म आए वाली है पठान, ठीक है। तो के माँ प्रमोशन के लिए वो वैष्णो देवी, देख कितना अच्छा काम कर रहा है, वैष्णो देवी दर्शन के लिए गवाह है ना। और वो माथा था टेके गवाह है अपने फिल्म का, मतलब कि अच्छी भली की फिल्म चले, है ना। और दूसरी तरफ वो आमिर खान, वो अपने घर घर में पूजा अर्चना पाठ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो देखना सनातन धर्म का कितना प्रचार प्रसार अच्छे से अब जग जग जान रहा है, सनातन धर्म का सर्वप्रथम रख रहा है। अच्छा, है ना। ये सब पहले कहाँ मानत रहा है इतना, हाँ, पूजा अर्चना करत रहा है। तो अब ये लोग कट्टो एक बात कहे तो तुका बहुत बुरा लगता है। हाँ, तो दिखत है ना, कबू जरूरी है कि सच हो। अभी तक जो शाहरुख खान रहे, बट जी जो दिखत है वही तो बिकत है, जरूरी है। जरूरी है कि जो कहावत चलत है हम वही ढर्रे पे चलत चलत जाए। अरे कुछ तो बदलो, कुछ तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। एक बात बता, आज तक तो ये लोग बहुत आस्था नया प्रकट की है। ये जो पहले अभी कुछ दिन पहले ट्रेंड चला रहा है बायकॉट बायकॉट बायकॉट, उलाल सिंह चड्ढा, उनका कौन सी करीना कपूर हीरोइन है, नहीं करीना। हाँ, करीना और वो आमिर खान रहे और फिर ब्रह्मास्त्र आई, तो जो बायकॉट बायकॉट की जनता ट्रेन चलाई और इन लोगों के जो बेतुकी बातें रही, कुछ भी बोले जा रहे हैं जनता, मतलब कुछ नहीं। अरे जनता जनार्दन है, हम तुम्हें देखेंगे तभी तो तुम्हारे पिक्चर का प्रमोशन होगा, तभी तो तुमको अरे भैया बढ़ चढ़ के पैसा मिलेगा। जब पब्लिक ऑडियंस देखे ना जाए तो पैसा तुम कहाँ से पियो। सही बात। तुम्हारी फिल्म कहाँ करोड़न करोड़न का बिजनेस कर पाई, कहाँ तुम्हारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो पाई। जब इन लोगों का लगा, अब जो बॉलीवुड है ना, वहां पे मच गई खलबली कि एक बड़ा तबका, एक बड़ा समूह उनकी फिल्मन के बायकॉट कर रहा है। कैसे उनकी बेतुकी बातें हैं, वो कोई बतावत है, हम तो आई लव बीफ, कोई बतावत, कोई बतावत, कोई बतावत। इंडिया में तो हमका भैया थोड़ा सा डर महसूस होते है, तो कोई के पत्नी बतावत ही, कि इंडिया में तो हम असुरक्षित महसूस करते है। कोई का जब भारत में कोनो आपदा आई तो अठन्नी चवन्नी ना दे है, विदेश में पैसा दूसरे देशन का मदद कर दे, तब उनके हृदय जाग जाते हैं। वही लोग सनातन धर्म का चार प्रचार कर रहे हैं। वो एक छल है, एक छलावा है, ये छलिया है। इन लोगों के काम का है अभिनय, नाटक, मतलब जी की वो मुखौटा पहने हैं। हाँ, अब तुम सही पते की बात समझो, ऐसे तो समझ जाए करो ना। तो हमका इतना ना समझावे पड़े कि जी जी कोई बात नहीं, तो का थोड़ा समझाया पड़े पड़त है, लेकिन हम समझ तो जाई थे ना। हाँ, इनका लोगन का सबक मिले चाहिए। हाँ, मिले चाहिए। अभी देखो दो इन फिल्म से इनके अंदर मच के खलबली, इनका मतलब पता होगा कि जनता का है, ऑडियंस का है। अगर हम इनकी भी फिल्म का ऐसे थोड़ा सा सबक सिखाए दी, कहे का मतलब है, तो इनका सही मायने में सबक मिल जाए और ये अगली बार से ऐसे ऐसे घमंड वाली बातें, बेतुकी बातें या भारत में असुरक्षित महसूस होने वाली बात ही ना करें। एक है टाइम पर असुरक्षित वाली बात और एक है टाइम पर दूसरी टाइम पर, हाँ दूसरे टाइम में। तो ये सब सिर्फ एक दिखावा है, ये दिखावे में ज्यादा हमें नए आवेक है। और हम तो कहेंगे कि जनता खुद इस उस पे विचार करे कि क्या सही है। हमारा मुद्दा अगर आज का आपको सही लगा हो तो आप हमारे मुद्दे पे अपनी राय जरूर व्यक्त करें, और हम ऐसे ही मुद्दे पे आते रहेंगे। और अगर हम लोगों की ये बातें गपशप आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और देखना ना भूलिए कट्टो बिट्टो की
कही। नमस्कार, जय सियाराम।